गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बताते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? हमने ये बताया था कि एक ऑपरेटर में एक अतिरिक्त मीनिंग देने के लिए एक विशेष प्रकार के फंक्शन का यूज में लेते हैं, तो वहाँ पर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहा गया था। कल हमने ये बताया था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। इसके बाद हमने ये बताया था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम यूनरी और बाइनरी के रूप में यूज़ करते हैं। जब हम किसी मेंबर फंक्शन को यूनरी के रूप में यूज करते हैं तो यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि फ्रेंड फंक्शन के रूप में यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट यूज में लेते हैं। यहाँ पर यूनरी में मेंबर फंक्शन के लिए कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिया जाता है, जबकि फ्रेंड फंक्शन के रूप में इसको यूज में एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं। यहाँ हम यूनरी ऑपरेटर या यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन की सहायता से किस प्रकार से ओवरलोड करते हैं, उसके लिए यहाँ सबसे पहले हम किसी मेमोरी, यहाँ पर पोस्ट फिक्स यूनरी ऑपरेटर का यूज में लेते हैं। पोस्ट फिक्स में क्या होगा, यहाँ पर जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो उसके बाद में हम किसी ऑपरेटर को यूज में लेते हैं। इस तरीके से जब हम यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन की सहायता से ओवरलोड करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज में लेते हैं। यहाँ केवल एक आर्ग्यूमेंट का यूज लेते हैं जिसे हम यहाँ ओवरलोड करते हैं। अतः यहाँ पर जब एक ऑब्जेक्ट के साथ इसे यूज में लिया जाता है तो ऑब्जेक्ट के प्रत्येक डाटा आइटम की वैल्यू को यह वन या एक से बढ़ा देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो ऑपरेंड की वैल्यू है प्लस वन से इंक्रीज हो जाएगी और यह प्रत्येक डाटा आइटम की वैल्यू को एक से बढ़ा देगा। इसे दर्शाने के लिए यहाँ पर हम एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोग्राम कमेंट्स लाइन है इसकी, प्रोग्राम फॉर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग मेंबर फंक्शन इन C++। हम जानते हैं C++ के प्रोग्राम को यूज में लेने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी कमेंट्स लाइन को डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद ये प्री प्रोसेसर या डायरेक्टिव या हेडर फाइल होती है, हैश इंक्लूड लेस देन iostream.h, हैश इंक्लूड लेस देन conio.h, क्लास पॉइंट यहाँ पर क्लास का नेम है, कर्ली ब्रैकेट ओपन int x, y semicolon। ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट के रूप में हम किसी मेंबर वेरिएबल को प्राइवेट क्लास के अंदर इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। पब्लिक क्लास के अंदर void get data फंक्शन, यहाँ पर टू आर्गूमेंट यूज में लिए गए हैं, int a कॉमा int b, ब्रैकेट बंद कर्ली ब्रैकेट ओपन x = a (y = b) कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर गेट डाटा मीन्स इनपुट फंक्शन है, इसी को फिर हम आउटपुट के रूप में शो करने के लिए void show फंक्शन, यहाँ पर जब कोई फंक्शन void टाइप का है तो ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन cout insertion x = (x) semicolon। यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू को हम आउटपुट के रूप में शो करते हैं, इसी तरह से cout insertion y = (y) insertion \n, यहाँ (\n). इस तरीके से x एंड y की वैल्यू को हम यहाँ पर आउटपुट के रूप में शो कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेटर आपने जो ओवरलोडिंग के रूप में यूज में लिया गया है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सिंबल है इसका, void ऑपरेटर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर int, इसका जो पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट होगा int टाइप का मीन्स कंपाइलर इसे पोस्ट फिक्स के रूप में रीड कर लेता है। कर्ली ब्रैकेट ओपन x
प्लस प्लस सेमी कॉलन, वाई प्लस प्लस सेमी कॉलन, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर हम नेक्स्ट क्लास को क्लोज कर देते हैं सेमी कॉलन लगाकर। इसके बाद इंट मैन फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट ओपन, पॉइंट पी सेमी कॉलन, यहाँ पॉइंट क्लास का नेम है, पी ऑब्जेक्ट है, पॉइंट पी सेमी कॉलन, पी डॉट गेट डाटा फंक्शन, जिसमें टू आर्ग्यूमेंट हमने यूज में लिए थे, 5, 8, ब्रैकेट बंद सेमी कॉलन, क्योंकि यहाँ टू आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को यहाँ पर शो किया गया है। सी आउट इंसर्शन डबल कोट, पी इक्वल टू डबल कोट क्लोज सेमी कॉलन, पी डॉट शो फंक्शन। तो इस तरीके से हम पी की वैल्यू को आउटपुट करा देते हैं। नेक्स्ट पी प्लस प्लस सेमी कॉलन, पी प्लस प्लस सेमी कॉलन। नेक्स्ट सी आउट इंसर्शन डबल कोट, पी प्लस प्लस कॉलन डबल कोट क्लोज इंसर्शन सेमी कॉलन, पी डॉट शो फंक्शन, रिटर्न 0 सेमी कॉलन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। एरर चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, कंपाइल ऑब्जेक्ट या ऑल्ट F9 से। यदि एरर 0 है, एरर 0 है, इट मींस प्रोग्राम सही है, फिर हम रन ऑप्शन का यूज करते हैं, या शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस F9। इस तरीके से इस कमांड का यूज करते हुए हम इस प्रोग्राम के आउटपुट को निम्न प्रकार से शो करते हैं, पी कॉलन एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 8, ये हमने वैल्यू इनपुट के रूप में यूज की गई है। तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, पी प्लस प्लस इक्वल टू एक्स इक्वल टू 6 एंड वाई इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हम यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन की सहायता से इस तरीके से ओवरलोड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसका, यूनरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन की सहायता से किस तरीके से ओवरलोड करते हैं। तो इस तरीके से हम कल इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।